हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज नंबर 2.2 और उसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और यहां पर आपको दिया गया है एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1/2 ये क्लोज इंटरवल में दिया गया है। और हमने आपको बताया था पहले से ही कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो डोमेन हमारा होना चाहिए वो माइनस 1 से 1 तक होना चाहिए साइन के लिए। यहां पर ये माइनस 1 और 1 के बीच में ये डोमेन है, इसलिए इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम RHS पहले लेते हैं, RHS, और RHS जो हमारा दिया गया है वो है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहां पर हम सपोज कर लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं और वो फार्मूला है आपका साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो हम लोग यहीं से इसको चुरा करके लिखेंगे, ये 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, तो यहां पर हमारा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a हो जाएगा। Therefore, साइन इनवर्स 3x 3 और x के प्लेस पर हम राइट कर सकते हैं साइन, यहां पर इसको थीटा ले लेते हैं साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दिस इज इक्वल टू होता है साइन 3a, तो यहां पर हम राइट कर सकते हैं साइन 3 थीटा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब उसके बाद क्योंकि डोमेन जो दिया गया है वो हमारे जो हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत ही हमारा डोमेन है, इसलिए हम यहां पर साइन इनवर्स साइन को हटा सकते हैं और तब हमारे पास हो जाएगा 3 थीटा। और थीटा यहां से हमने एक्स को सपोज किया है साइन थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। यहां पर हम थीटा के प्लेस पर राइट कर सकते हैं साइन इनवर्स एक्स और यही हमारा LHS था। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया गया है वो दिया गया है आपको, सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है प्रूव दैट 3 cos इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये हमें प्रूव करना है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन जैसे हमने फर्स्ट लगाया वैसे ही हमारा क्वेश्चन ये वाला भी है। और इसमें भी आपको जो डोमेन दिया गया है वो दिया गया है x बिलोंग्स टू 1/2 कामा 1, तो ये भी जो आपका डोमेन दिया गया है वो माइनस 1 और 1 के बीच में है, इसलिए हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इनवर्स है यह भी एक फंक्शन ही होगा। इसको हम लोग प्रूव करते हैं, हम यहां पर ले लेते हैं RHS। RHS हमारा है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। हम यहां पर सपोज कर लेते हैं दैट x इज इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा मैंने क्यों सपोज किया, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, वो फार्मूला हमारा cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, तो इसलिए हमने यहां पर x की वैल्यू cos थीटा सपोज कर दी है। देयरफॉर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स, और यहां पर 4x x के प्लेस पर हम लिख सकते हैं cos थीटा, तो cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos इनवर्स, और अभी हमने बताया कि दिस इज इक्वल टू होता है cos 3, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, दिस इज इक्वल टू cos 3a, तो हम इसके प्लेस पर cos 3a राइट कर सकते हैं। और यहां पर a इज थीटा,
कास इनवर्स कास 3 थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा 3 थीटा, और थीटा हमारा यहां से हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स x। जब मैंने x इज इक्वल टू कास थीटा सपोज किया है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी कास इनवर्स x। हम यहां पर थीटा के बेस पर कास इनवर्स x राइट कर सकते हैं, तो हमने यहां पर कास इनवर्स x राइट कर दिया और यही है हमारा एल एच एस। ओके राइट कर दें आप लोग इसको, और जो ये फार्मूला मैंने राइट किया है इसको भी आप लोग लर्न करते हुए चलो। चलिए हम लोग देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फार्मूले। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू, टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू, एंड सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। इसके बाद हमारे पास फार्मूला है टैन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इसके बाद है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसके बाद 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का एक और फार्मूला है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और फिर 2 tan इनवर्स x का एक और फार्मूला हमारे पास है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये हमारे फार्मूले हैं। अब इन फार्मूलों को हम प्रूव करके भी देखते हैं कि हम इनको कैसे प्रूव कर सकते हैं। चलिए पहला वाला फार्मूला मैं देखता हूं। पहला जो फार्मूला हमारे पास है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये फार्मूला हमारे पास कहां से आया है? इसके लिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर अगर हम यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, एंड वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। ये फार्मूला आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, एंड साइन थीटा मीन्स एक्स, एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, और थीटा मीन्स साइन इनवर्स एक्स। कॉस इधर आ जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब ये हमारा जो साइन इनवर्स एक्स है माइनस में इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, देन वी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये हमारा फार्मूला प्रूव हो गया। जिस तरह से मैंने इसको प्रूव किया है उसी तरह से आप सेकेंड और थर्ड वाला भी प्रूव कर सकते हो। इट्स ओके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। नेक्स्ट फार्मूले में हमें जो प्रूव करना है इसमें हम सपोज कर लेते हैं पहले ले x is equal to tan and y is equal to tan p। यहां से हम अगर a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो मेरा हो जाएगा tan इनवर्स x, और p की प्लेस पर हो जाएगा tan इनवर्स y। हम लोग एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, we know tan a plus b this is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। अब हम यहां पर वैल्यू रख देंगे tan a plus b this is equal to tan a means x, tan b means y upon 1 minus tan a
ए मीन्स एक्स और टेन बी मीन्स वाई, यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई, टेन इधर आ जाएगा, देन वी हैव ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये टेन इनवर्स हो जाएगा और एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ए मीन्स टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर राइट कर सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, दिस इज इक्वल टू tan inverse x plus y upon 1 minus xy. तो ये हमारा फार्मूला प्रूव हो गया. अगर हम ये वाला फार्मूला प्रूव करना चाहें तो सेम टू सेम मुझे यही सब कुछ करना है. अगर यहाँ माइनस होगा तो हमें यहाँ पे tan a minus b का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. tan a minus b is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. तो जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा और फार्मूला हमारा सेम टू सेम हो जाएगा. इस तरह से अगर हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की बात करेंगे तो ये वाला हमारा माइनस हो जाएगा और ये वाला हमारा प्लस हो जाएगा. इस तरह से दोनों फार्मूले हम लोगों ने प्रूव कर दिए. इसको आपको गाइड कर लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं इन तीनों फार्मूलों को कैसे प्रूव किया जाएगा. यहां पर आपको दिया गया 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 2x / 1 - x स्क्वायर. यहां पर हम सपोज कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, यहां से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x. देयरफॉर वी नो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ये फार्मूला हमारे पास है. यहां पर वैल्यू रख देते हैं tan 2 theta is equal to 2 tan theta. tan theta means x. 2x upon 1 minus x square. ये tan इधर आ जाएगा. 2 theta is equal to हो जाएगा tan inverse 2x upon 1 minus x square. तो theta और theta means tan inverse x. Therefore 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. तो ये हमारा फार्मूला भी प्रूफ हो गया. हम लोग देखते हैं इस वाले को, इसको कैसे प्रूफ करेंगे. जो ये वाला है इसको प्रूफ करने के लिए हम x is equal to tan theta सपोज करेंगे. इसको आप लोग गाइड कर लेना पास करके. उसके बाद x is equal to tan theta फिर सपोज करेंगे, theta की वैल्यू tan inverse x हो जाएगी. और हमारे पास एक फार्मूला होता है sin 2 theta. तो sin 2 theta is equal to tan theta upon 1 plus tan square theta. यहां पर हम प्लस कर देंगे और यहां पर जो है ये साइन इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और थीटा मींस tan इनवर्स x. तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. तो ये वाला भी फार्मूला हमारा प्रूफ हो गया. ओके, अब हम लोग देखते हैं लास्ट वाला जो फार्मूला हमारा है. लास्ट वाले फार्मूले में भी हम x को tan थीटा मानते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा. और हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, वी नो cos 2x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, tan थीटा के प्लेस पर हमें x रख देना है. cos 2 theta is equal to 1 minus x square upon 1 plus x square. Therefore, 2 theta is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. और यहां पर theta की value हम लोग रख देंगे tan inverse x. तो 2 tan inverse x is equal to हमें मिल जाएगा cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. इस तरह से ये हमारे फार्मूले जितने थे वो हमने प्रूव कर दिए. तो एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड जितने भी फार्मूले थे हम लोगों ने उसको प्रूव कर दिया. अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं. चलिए बेटा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 2 / 11 + tan इनवर्स 7 / 24 दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 / 2. तो यहां पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन लेकर के हमें लग रहा है कि tan इनवर्स x है + tan इनवर्स y है. तो बस हम लोग LHS
लेते हैं, LHS हमारा है tan इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस tan इनवर्स 7 अपॉन 24। तो हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस y मींस 2 अपॉन 11 प्लस 7 अपॉन 24 अपॉन 1 माइनस xy, तो 2 अपॉन 11 इंटू 7 अपॉन 24। इसी को हम लोग साल कर लेंगे, tan इनवर्स यहां पर हो जाएगा 24 टू जा 48, 11 7 जा 77 अपान नीचे हो जाएगा 11 इंटू 24 अपान 11 इंटू 24 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अभी 11 इंटू 24 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं 2 से इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूं। तो 24 1 जा 24, 24 1 जा 24 प्लस 2 26 और माइनस 7 2 जा 14 अपान 11 इंटू 24। हमें यहां पर क्या क्या एक बार आप लोग समझ लो, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में हमारा 11 इंटू 24 आ गया, इस वाले डिनोमिनेटर से 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 264 आएगा और माइनस यहाँ पे 27 या 14 हो गया अपान 11 इंटू 24 हो गया, 11 इंटू 24 इज कैंसिल बाय 11 इंटू 24। नाउ वी है tan इनवर्स, इसको ऐड करेंगे 8 7 15 4 7 11 प्लस 1 12 अपान और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 250 आ जाएगा 125 1 जा 125 एंड 125 टू जा 250। Therefore, we have tan inverse 1 upon 2 और यही हमारा RHS है। Therefore, this is equal to RHS। ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, LHS हम यहां पर लेते हैं और LHS हमारा है 2 tan inverse 1 upon 2 और प्लस tan inverse 1 upon 7। अगर आप लोग ध्यान से देखो यहां पर, तो यहां पर हम इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इस फार्मूले में 2 पहले लग गया है। तो पहले हम यहां पे 2 tan इनवर्स x वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी हम लोगों ने प्रूव किया था, 2 tan इनवर्स x दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर और प्लस इसको हम लोग ऐसे ही राइट कर लेंगे, अभी इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4 और प्लस ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 अपॉन 7। tan इनवर्स यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन 4 1 जा 4 4 माइनस 1 3 अपॉन 4 और प्लस हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1 अपॉन 7। ये वाला 4 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, इस तरह से हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 4 अपॉन 3 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7। अब हम लोग इस वाले फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ये फार्मूला हम यहां पर अप्लाई कर देंगे। Now we have tan inverse, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा देखते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 28 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 7 3 जा 21 और यहां पर क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 1 जा 21 माइनस 4 अपॉन 21, 21 से 21 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। Therefore, आंसर हम यहां पे राइट कर रहे हैं tan inverse 28 और प्लस 3 ये हो जाएगा 31 और 21 माइनस 4 ये हो जाएगा 17 और यही हमारा LHS का RHS था। इस तरह से ये और अभी क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। ओके, आप लोग राइट कर लो इस इसको देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। हमें इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई करने के लिए कुछ ना कुछ हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी, तो हम कैसा ट्रिक लगाएंगे उसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ 1 प्लस x स्क्वायर, तो हम x की क्या वैल्यू सपोज करें जिससे हमें
इसका स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट हो जाए। तो हम सपोज कर लेते हैं एक्स की वैल्यू जो सपोज करते हैं वो करते हैं टेन थीटा। तो अगर हम एक्स की वैल्यू टेन थीटा सपोज कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वी नो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लोग आसानी से फाइंड आउट कर देंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर सपोज करते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, देयरफॉर टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू हमने सब कुछ करी है टेन, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन, और एक्स की वैल्यू है टेन थीटा, टेन इनवर्स, और यहां पर देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट करेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। और इसको और हम लोग सॉल्व करते हैं, टेन इनवर्स सेक थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन, और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सारे के सारे फॉर्मूले आप लोग पढ़ चुके हैं, टेन इनवर्स की कॉस थीटा से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा, और यहां पर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब जो मेरे पास बचा हुआ है इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा के प्लेस पर हम राइट कर सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये फार्मूला होता है। तो कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर थीटा है तो यहां पर थीटा बाई टू हो जाएगा, और अपान जो ये साइन थीटा है इसका फार्मूला होता है टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। इसको डिटेल में समझने के लिए आप लोग क्लास 11 का जो ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो हमने बनाया है उसको आप लोग देख लेना, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी कि साइन थीटा की ये वैल्यू कैसे होगी। वैसे आप लोग पढ़ चुके हो, आप लोगों को आता ही रहेगा, वन माइनस वन और माइनस माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। यहां पर वन से वन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, अब यहां पर हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहां पर साइन की एक पावर है यहां पर साइन की टू पावर है, तो इससे इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू, ऊपर बचेगा नीचे बचेगा कॉस थीटा बाई टू, और साइन अपॉन कॉस साइन ए अपॉन कॉस दिस इज इक्वल टू टेन, तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू, और टेन इनवर्स टेन ये टेन कैंसिल हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा थीटा बाई टू, और थीटा यहां की यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो यहां पर थीटा के प्लेस पर लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। राइट कर लें हम लोग इसको, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसको भी सिंप्लीफाई ही करना है। तो हम यहां पर सपोज कर लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू कोसेक थीटा, यहां से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, देयरफॉर टेन इनवर्स वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू हमने क्या सपोज करी कोसेक थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इस तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन दिस इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा,
इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cot स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो cot थीटा हो जाएगा और 1 अपॉन cot थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा हो जाएगा, tan tan खत्म हो जाएगा यहां पर tan इनवर्स और tan, तो हमारे पास बचेगा थीटा। थीटा हमने किसको सपोज किया था, cosec इनवर्स x, तो ये हो जाएगा हमारा cosec इनवर्स x एंड दिस इज आवर आंसर। ओके राइट कर दें आप लोग इसको जल्दी से, देखते बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 हमें सिंपलीफाई करना है। tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cosec अपॉन 1 प्लस cosec, डोमेन हमारा दे दिया गया है कि x की वैल्यू 0 से लेकर के पाई तक होनी चाहिए। चलिए अब हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x के प्लेस पर लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और यहां पर प्लस 1 प्लस cos x के प्लेस पर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ये फॉर्मूले आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपान, यहां पर 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, देन वी हैव 2 cos स्क्वायर x बाई 2, यहां भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा tan इनवर्स, और जब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो फिर 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। टेन इनवर्स साइन अपान कॉस, ये टेन होता है तो हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, टेन इनवर्स हमारे पास आ जाएगा टेन एक्स बाई 2, टेन इनवर्स टेन खत्म हो जाएगा तब हमारे पास आ जाएगा x by 2 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इट्स ओके राइट कर ले आप लोग इसको भी, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। tan इनवर्स हम करेंगे क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम cos से डिवाइड कर देंगे, यहां पर जब cos से cos को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा sin x अपान cos, यहां पर भी cos से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा 1 प्लस और ये हो जाएगा हमारा sin x अपान cos x। यहां से देखिएगा क्योंकि आपका आंसर आ गया है 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x, और अगर हम बात करें कि हमारा फार्मूला यहां से भी बन गया है tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस x y, ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई का, या हम एक और फार्मूला समझते हैं टेन इनवर्स और ये वैल्यू होती है हमारी टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स की वैल्यू भी यही होती है ये वाली वैल्यू, तो इस तरह से कि टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स और ये हो जाएगा हमारा आंसर। राइट कर लें आपको इसको जल्दी से, देखते हैं बेटा हम इसको यहां पर क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम a से डिवाइड कर देंगे, इट मींस हमारे पास क्या हो जाएगा उसको देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। tan इनवर्स ये हो जाएगा हमारा x अपॉन a और इसको भी हम a से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x अपॉन a अपॉन स्क्वायर रूट, अगर हम इसको अंदर लेकर जाएंगे इस स्क्वायर रूट के अंदर लेकर के जाएंगे तो हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे लेट यहां से लेट x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर इसके आगे चलेंगे हम लोग, मींस
tan इनवर्स x अपॉन a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन a होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, और x अपॉन a को हमने सपोज किया है sin थीटा, अब इसके प्लेस पर राइट कर देंगे sin थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके प्लेस पर हम साइन थीटा लिखेंगे और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे उसको देखते हैं, टेन इनवर्स साइन थीटा अपान इसको एक साथ हम समझ लेते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन अपान कॉस क्या हो जाता है टेन, टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन कैंसिल हो जाएगा हमारे पास थीटा आ जाएगा, और यहां से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड दिस इज आवर आंसर। राइट कर लें आप लोग इसको जल्दी से, देखते हैं बेटा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन, tan इनवर्स ये आपको दिया गया, हम क्या करेंगे कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में a क्यूब से हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 3a स्क्वायर x अपॉन a क्यूब माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब, और नीचे हमारे पास हो जाएगा a क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर अपॉन a क्यूब, देखते क्या मिलता है tan इनवर्स, यहां पर देखिएगा a स्क्वायर से इसमें 3 पावर है, यहां पे 3 पावर में से 2 पावर निकल जाएगी, हमारे पास हो जाएगा 3x अपॉन a और माइनस ये हो जाएगा हमारा x अपॉन a होल क्यूब, और नीचे हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 3 और यहां पे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बचेगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो इसको x अपॉन a होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहां पर सपोज कर लेते हैं लेट x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा, तो अगर हम यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। चलिए देखते हैं इसके आगे देर को, हम यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं tan इनवर्स और x अपॉन a के प्लेस पर हमें लिखना है tan थीटा, यहां पर हमारे पास हो जाएगा 3 tan थीटा और माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan थीटा जहां जहां x अपॉन a है वहां वहां हमने tan थीटा लिख दिया है, ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का, tan इनवर्स tan 3 थीटा का ये फार्मूला हो गया। अब हमारे पास tan इनवर्स tan कैंसिल बचेगा 3 थीटा, और थीटा हमने थीटा क्या था थीटा था tan इनवर्स x अपॉन a, ये हो जाएगा हमारा 3 tan इनवर्स x अपॉन a एंड दिस इज आवर आंसर। राइट कर लें आप इसको अच्छे से बढ़िया समझते हैं, देखते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, थोड़ा क्लियर करते हैं हम लोग, टेन इनवर्स 2 कॉस साइन में किसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है, तो हमें पता है कि साइन में पाई बाई 6 की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है, यानी 2 3 जा टेन इनवर्स 2 और कॉस में किसकी कॉस में पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, मीन्स कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और tan में किसकी वैल्यू 1 होती है तो पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग, अभी हमने बताया था ये हमारा एक फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये हमारा पाई बाई 2 हो जाएगा, और जो काट में पाई बाई 2 की वैल्यू होती है वो होती है 0 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर,
tan इनवर्स 1 अपॉन 2, यहां पर देखिए sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का, और ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स y का, तो यहां पे कॉमन हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 2, 2 हो जाएगा कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, tan इनवर्स और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है यहां पे इनवर्स नहीं है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, अब यहां पे tan tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा इस पर हमारा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके बेटा, लगा लो आप लोग इस बढ़िया से, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, ये हमारे पास दिया गया है साइन यहां पर आएगा, देन वी हैव साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, साइन इधर आएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, और साइन पे पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई बाई 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 अपॉन 5, ये प्लस से इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन 5, और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x, हो जाएगा cos इनवर्स 1 अपॉन 5, और यहां पर हमारे पास है cos इनवर्स x, cos इनवर्स दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 अपॉन 5। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, tan इनवर्स इसको पूरा x सपोज कर लेते हैं प्लस tan इनवर्स ये पूरा हमारा y हो गया, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 4, यहां पर भी फार्मूला अप्लाई कर देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, फार्मूला होता है हमारा होता है x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, तो x प्लस y इज व्हाट x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन, नीचे हमारा हो जाता है 1 और माइनस x इंटू वाई, ये पूरा हमने x सपोज किया या हमने y सपोज किया, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4, tan इनवर्स इधर आएगा tan पाई बाई 4 हो जाएगा, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस x माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, नीचे a माइनस b a प्लस b का फार्मूला अप्लाई कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां पर इसको इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद x स्क्वायर और x स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x से प्लस 2x और माइनस x से प्लस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 4, अपन यहां पर देखते हैं बेटा x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहां भी कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू होती है 1, लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1, तो माइनस 3 हो जाएगा और माइनस 3 को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस 4 इधर ट्रांसपोज कर देंगे प्लस 4 हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 देयरफॉर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, राइट करने आप लोग इसको। चलिए देखते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, और 16 में दिया गया साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, जो ये रेंज दिया गया है हमें पता
पता है कि साइन की रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक होती है, ये हमारी साइन की रेंज होती है, लेकिन ये रेंज हमारा टू पाई बाई थ्री है, पाई बाई टू से ये ज्यादा है, तब फिर हम यहाँ पर हमें पता है कि जब इस रेंज में होगा तभी हम साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स लिख सकते हैं, लेकिन तभी ये साइन और साइन इनवर्स खत्म होगा तब जब हम इस रेंज में रहेंगे तो, मीन्स जब हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज रहेगी तो, अदरवाइज फिर हम इसको खत्म नहीं कर सकते। तो पहले हम इस वैल्यू को इस रेंज के अंतर्गत लाएं तभी हम फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं कैसे इसको लाते हैं, उसको देखते हैं ध्यान से। ये हमारे पास है साइन इनवर्स और साइन, हमें पता है कि हम इसको पाई माइनस टू पाई बाई थ्री राइट कर सकते हैं, हमें पता है कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर 180 इज पाई, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो हम साइन थीटा के प्लेस पर क्या राइट कर सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा, वही हमने यहां पर राइट कर दिया, साइन पाई माइनस थीटा प्लस टू पाई बाई थ्री। ओके, तो देखते हैं हम लोग इसको फिर, ये हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स साइन और थ्री वन जा थ्री माइनस टू मीन्स वन पाई बाई थ्री। अब ये जो पाई बाई थ्री है हमारा, ये हमारे रेंज में आ गया, मीन्स माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में आ गया, इसलिए अब हम यहां पर ये साइन इनवर्स और साइन इसको रिमूव कर सकते हैं और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पाई बाई थ्री और यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। अभी हमने बताया कि ये tan और tan इनवर्स तभी रिमूव हो सकता है जब ये इसकी जो रेंज है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को सेटिस्फाई करे। tan में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, और जो 3 पाई बाई 4 है ये मेरा पाई बाई 2 से ज्यादा है, इसलिए इसको हम इसके अंदर घसीट करके लाएंगे। कैसे लेकर के आते हैं थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। tan इनवर्स इसको मैं लिख सकता हूं माइनस tan पाई माइनस 3 पाई बाई 4, tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, तो माइनस माइनस प्लस tan थीटा हो जाएगा, तो यही वैल्यू रह जाएगी, इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इस तरह से मेरे पास हो जाएगा tan इनवर्स माइनस tan, और ये देखिए क्या हो जाएगा 4 बन जा 4 4 माइनस 3 1 हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 4, ये माइनस यहां अंदर आ जाएगा tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4। अब हम ये जो माइनस पाई बाई 4 है ये हमारा माइनस पाई बाई 2 के अंदर में है, माइनस पाई बाई 2 के अंदर में हमारा माइनस पाई बाई 4 है, इसलिए अब हम रेंज में आ गए तो ये tan और tan इनवर्स हम रिमूव कर सकते हैं और हमारे पास आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 एंड दिस इज आवर आंसर। राइट कर लें आप लोग इसको जल्दी से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, tan और sin इनवर्स 3 अपॉन 5 को हम राइट कर सकते हैं tan इनवर्स 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और प्लस r इनवर्स को लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 अपॉन 3, क्योंकि tan जो है वो काट का रेसिप्रोकल होता है, या काट का जो है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो भी समझ लीजिए उसको। यहां पर मेरे पास हो जाएगा tan और ये tan इनवर्स 3 अपॉन 4 और प्लस tan इनवर्स 2 अपॉन 3, tan यहां पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, ये होता है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हमारा ये tan इनवर्स और tan अभी हमारा रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 4 3 जा 12 अपॉन, यहां पर देखते हैं हम लोग 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 8 ये हो जाएगा हमारा 17 और अपॉन
6, तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा आंसर। राइट कर दें आप इसको। देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 19, देखिए ये हमारा है 7π/6, जबकि इस कास की रेंज हमारी होनी चाहिए 0 से पाई। और ये जो 7π/6 है, ये पाई से ज्यादा है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम ऐसा करेंगे, हम इसको राइट कर सकते हैं कास इनवर्स कास, और इसको हम लिख सकते हैं 2π, 2π मींस 360 डिग्री, और -7π/6 कास 360 डिग्री माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम इसको ऐसा भी राइट कर सकते हैं। देयरफॉर कास इनवर्स कास 6 × 2 = 12 माइनस 7, ये हो जाएगा आपका 5π/6। अब ये जो हमारा आया, ये 0 और पाई के बीच में है, इसलिए हम यहां पर कास इनवर्स कास रिमूव कर देंगे, आंसर मेरा हो जाएगा 5π/6। चलिए देखते हैं टू मोर क्वेश्चंस। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स में ये माइनस इधर चलाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। हमें पता है कि साइन में π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, हम यहां पर राइट कर देंगे π/6। देयरफॉर साइन, और यहां पर एलसीएम हो जाएगा 6 × 3 = 6 और प्लस पाई, साइन 3π/6, 3 × 2 साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, एंड दिस इज आवर आंसर। लास्ट क्वेश्चन, टैन इनवर्स √3, ये टैन में π/3 की वैल्यू होती है, और काट इनवर्स एक्स कास इनवर्स माइनस एक्स, इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, इसको राइट कर सकते हैं पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। देन π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस काट इनवर्स √3, ये π/6 की वैल्यू, π/3 π/6 ये π/2 हो जाएगा माइनस पाई, π/2 माइनस पाई, दिस इज इक्वल टू माइनस π/2, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इट्स ओके, राइट कर लें आप लोग इसको।